मैं एक्चुअली मेंटली पेरेंट उन्नीस साल की ही उम्र में बन गई थी मैं हमेशा से ही माँ बनना चाहती थी थोड़ी देर बाहर चले जाओ लीव ऑफ शॉपिंग मैंने उसे खिलाया उसने मेरे मुंह पे मार के दिया वो. <laughs> मैं अमृतसर गई मैं मथा टेक रही थी सडनली दीज पीपल के जो पहली बार लाइफ में लोगों को मेरा नाम पता था मैं हस्बैंड सर यू वॉन्ट so, hmm. तो मेरा बच्चा है तो इसमें तो मैं भी तो बाप हूँ कैसा होगा शादी होगी एंड वेन अभिनव इन माई लाइफ ही लव एंड अडोर अभिनव शुक्ला फॉर हु ने बताया नहीं द पेरेंट हुट हुड पेरेंट हुड जर्नी प्लीज वेलकम शरद केलकर सना खान निशा रावल राहुल अमृता रायचंद अली असगर कुनाल पूजा तेजा मैं हूँ मार्क इधर आई लव चिल्ड्रन मैं दीवानी हूँ बच्चों वाओ मेक द वुमन फील स्पेशल यही कहूंगी कि किसी ने बताया नहीं मैं बता रही हूँ और मैं तो ओपनली बता रही हूँ सच बोलो मेरे अंदर आई लव मुझे क्यों नहीं टून दिया आपने मतलब बाय आज मैंने एक्चुअली लिटरली उसको ऐसे किया है

हाई माई ब्यूटिफुल पीपल वेलकम बैक टू अ ब्रैंड न्यू एपिसोड ऑफ किसी ने बताया नहीं द पेरेंट हुड जर्नी अभी तक आपने बहुत सारे लोगों के किस्से एक्सपीरियंसेस और उनकी लाइफ के बारे में उनकी स्पेसिफिक पेरेंट हुड जर्नी के बारे में आपने जाना है आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है क्यों इंस्पायरिंग है वो आपको इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से पता चलेगा वैसे तो जब हम माँ बनते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं लेकिन एक करियर ओरिएंटेड औरत के लिए अपना करियर स्विच करना या एक नया करियर अपनाना और उसे उतनी बखूबी से निभाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसलिए आज जो मेरी गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि उन्होंने अपना सक्सेसफुल एक्टिंग करियर के साथ साथ में कहूँगी एक सेलिब्रिटी शेफ का करियर भी अपनाया है और उसमें वो उमदा कर रही है प्लीज वेलकम अमृता रायचंद ऑन दिस कॉन्वर्सेशन ऑन किसी ने बताया नहीं थैंक यू फॉर डूइंग दिस थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम आई एम एक्सट्रीमली हम्बुल्ड थैंक यू सो मचीना फॉर दैट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन मैं तो ऐसे देख रही थी व्हाइल यू वर टॉकिंग यू योरसेल्फ आर सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल थैंक यू एंड जस्ट योर वर्ड्स वर वेरी टचिंग थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर आई मीन एवरी सिंगल वर्ड ऑफ कोर्स हम पहले मिले नहीं हैं आज इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से मैं आपके बारे में जानूंगी एंड हाउ हैव यू

Your beautiful show is all about parenthood. Hopefully, very soon you will see a very interesting uh, a podcast on my YouTube channel as really? well on parenthood because I think parenting is so comprehensive, it's so vast. कि जितना लोग इसके बारे बात करें उतना अच्छा है बिकॉज इट्स पॉसिबल ही नहीं है कि उसे आप सिर्फ एक कॉन्वर्जेसन में निकाल सकते हैं और हर इंसान की इतनी अलग अलग स्टोरीज होती हैं इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं दैट यू नो यू देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम पीपल अबाउट पेरेंटिंग एंड आई थिंक आई थिंक इमोशनल लेवल पे पेरेंटिंग को काफी इम्पोर्टेंस मिलती है आई डोंट थिंक पीपल गिव इट दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट इट्स ऑल्सो अ स्ट्रगल Absolutely. In many ways. Absolutely. And to overcome that struggle is a is a journey which is very different from each mm. you know from each mm -hmm. from one individual to the other. Mm. And that's how my journey started. May I actually mentally parent unni sal kihi um gaiti.

आई लव चिल्ड्रन मैं दीवानी हूँ बच्चों की एंड आई थिंक दैट वॉज वॉट मेड मी प्ले द रोल ऑफ अ मदर वन वॉज नाइनटीन ईयर्स ओल्ड तो मेरा मेरी जो फुल करियर की शुरुआत भी हुई मॉडलिंग आई थिंक एक दो एड्स मैंने एज अ यंग गर्ल किया आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली दो बड़े बड़े भाई फादर पास अवे वन आज वेरी यंग तो uh, वो भी एट द बैक ऑफ द हेड था और फिर मुझे एक ऑफर आया माँ माँ के रोल का मैंने कहा चलो यार यही कर लेती हूँ एटलीस्ट एक्टिंग तो करने को मिलेगी एंड वंस यू बिकम अ मदर बॉलीवुड तो इज आउट ऑफ द गेस्ट सो इट काइंड ऑफ यू नो वर्क इन माई फेवर एंड वहाँ भी जब मैं बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे आते थे और माए बोलती थी यू you नो know, मेरा बच्चा ऐसे करेगा मेरा बच्चा आप नहीं हैंडल कर पाओगे कर पाओगे तो मैं उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करती थी ऐसे आप थोड़ी देर बाहर चले जाओ लीव योर चाइल्ड विद मी अगर आधे घंटे के बाद आपको लगा कि आपका बच्चा रो रहा है या कुछ भी आप यहाँ पे एक अपना कोई स्पाई छोड़ जाओ आप मत रहो कुछ भी आपको प्रॉब्लम यू कम बैक ए वुमेन वेंट ऑफ शॉपिंग आफ्टर दैट चाइल्ड सो यू नो इट वाज लाइक दैट आई वाज सो कंफर्टेबल एंड आई थिंक दैट्स वाई माई इनिशियल मॉडलिंग करियर फॉर ऑलमोस्ट Forever, I think I was a mom and then Whirlpool happened and then I was known as the quintessential yes. uh, Whirlpool mom. Yes. I yes. was their brand ambassador for six years. Yes. I think there is not a single product that I haven't endorsed as a mother. Yeah, yeah. And that was a really fun phase. And then acting happened. After I got married, I married a guy who was super confident, uh, very conservative family again, Rajput, Punjabi, Brahmin mix, but very, very cultured, very, very advanced and कोई रोक टोक नहीं मैं हस्बैंड से जो करना करो मैंने कभी लाइफ में हॉल्टर टॉप नहीं पहना था बट शादी के बाद तो यू नो आई कुड वे वट एवर आई वॉन्ट टू एंड देन आई अ कपल ऑफ मूवी ऑफर्स रेडी में मैंने काम किया सलमान खान के साथ फिर yes. uh, uh, सुभाष जी के साथ मैंने एक न्यू बागी आई थी mm -hmm. उसमें थी मैं mm -hmm. अली फजल के साथ आई डेड अ मूवी बात बन गई गुलशन गोवर के साथ Uh, Madhur Bandarkar I was in that movie Heroine, which was with Aishwarya Rai initially. Correct. And then she got pregnant, and then the whole story changed. So that was another story. So I dabbled a little bit in acting. Firgo man, TV shows daily soaps I have followed that. You have seen that. Yeah. <laughs> yes. <laughs> and uh, yeah, it just, you know, organically, karti gai, but the moment my son was born, mm -hmm. my first reaction was that I don't want to work. The moment I conceived. I think my calm ka till about. A month or two after I conceived. Mm -hmm. and I remember it was a studio like this, and I was hosting a show. and uh, I think I wanted I was getting nauseous. You know, I finished that day shoot, and then I told the producers that I won't be continuing if it's okay, mm -hmm. And I took that decision even before I told my family. Mm -hmm. I told my husband, I don't want to work. I just want to be at home. I don't want to be throwing up and doing things and worrying my bump i may bump and drive so paranoid. and then when augusta happened you know i was over the moon and i was only with him and then sal i started getting back into my whole you know losing weight getting back to work there's that uh, show kia, uske baad, which was very uh, well received and then ka magic happened so another thing you need to know about me is that i have been cooking since i was eight years old and my mum was a i'm saying was she's very much around but she is unwell now so she doesn't cook but cook she had done gourmet courses in jamshedpur my father was with tatas

Uh, in, into boarding school. There, I was uh, my home science teacher's pet. Home science was my subject. Mm. I got the profi proficiency award in home science and I started the cafeteria in my school. Uh, Lawrence School Sana'a is in Himachal Pradesh. It's a boarding school. I'm yeah. from Himachal, I'm ah, from Shimla. So, oh, <laughs> so yeah. yeah so, so, now it was know. something we used to yes. jump, jump for yeah. uh, debates and national yes. uh, declamations and yes. everything. Yes. I'm,

I tasted it. I said, this is really ridiculous. So I found different, different ways of feeding him and that became a passion. And in that beach, mein, I got a show called Mami Ka Magic. Mm. And at that point, I really thought that it's just another show in my acting career. I'm mm. a host of mm. that show. And when I went to first episode, mein, I had a struggle. Ki, uh, कुकिंग अलग से मैं कर सकती हूँ होस्टिंग अलग से मैं कर सकती हूँ लेकिन जब दोनों को कंबाइन करने की बात आई तो मुझे थोड़ा सा आई वॉज अ इंटमिडेटेड बाई द प्रोसेस तो एक दिन तो निकल गया बट आई वॉज नॉट है आई एम समीटिंग एट एनी माई बेस्ट मैं अपने अपने पूरी दुनिया डाल देती हूँ उसमें एंड देन आई लाइक टू सक्सीड इन इट ये दिन में मेरे को लगा यार ये तो ये तो ना होट्स क्शन ऐसे क्या गलत कर रही हूँ मैं यू you नो know, क्या हो रहा है Why was I so uncomfortable doing this? ऐसे हर दिन मैं कुकिंग करती हूँ हर दिन बच्चों को खिलाती हूँ बच्चों का शो है तो क्या गलत कर रही हूँ स्लेप्ट दिमाग में यू you नो know, बोझ लेके मैं सो गई फाइनली नींद आ गई अगले दिन शूट थी आई वोक अप इन द मॉर्ग एंड आईड माई आंसर एन आई ऑलवेज टर्न टू गॉड कभी कुछ होता है ना सो आई एक्चुअलीज आर माई क्वेश्चन I woke up. I had my answer. It says you are trying to be somebody. You're not. You're trying to be a chef. You're trying to be a host. You're trying to be somebody else. You're acting. You have been acting all your life. Mm -hmm. You're acting again. Mm -hmm. You are a mother. Mm -hmm. You a genuine mother. अब तो वाकई बच्चा है. अभी तक तुम माँ का रोल फ्लैयर कर रही थीं जब तुम्हारा बच्चा नहीं था. अब तुम्हारा mm -hmm. बच्चा है. तुम यही घर में करती हो. Next day, everyone was shocked. किसको हुआ तो हुआ क्या चंदोन am उसने ऐसा किया वैसा किया एंड इट वॉज अ ब्रीज एंड आई थिंक विद इन अयर ऑफ द शो रिलीजिंग मैं अमृतसर गई गोल्डन टेम्पल एंड मैं मत्था टेक रही थी एंड सडनली दिस पीपल केम अराउंड मी मराव में पर अमृता राय पहली बार लाइफ में लोगों को मेरा नाम पता था बिकॉज सी ऑल दिस वाइल्ड आई वॉज अ फेस ऑफ सो मेनी थिंग्स

गुड लुकिंग होने चाहिए कल्चर्ड होने चाहिए इन लॉज गुड लुकिंग होने चाहिए इन लॉज गुड लुकिंग होने चाहिए <laughs> <laughs> ये मैंने पहली बार सुना है हस्बैंड का कुछ ज्यादा पता नहीं है इन लॉज गुड लुकिंग होने चाहिए कल्चर्ड होने चाहिए एजुकेटेड होने चाहिए uh, अच्छे से बातचीत कर, yeah, कर सकती हूँ मैं बिकॉज आई यू सी आई मोम में ना मोसी मेरे दो बड़े भाई हैं पर दोनों पढ़ने चले गए थे तो मैं और मम्मी हमेशा अकेले रहे आई वॉन्टेड अकेले नहीं रहना था मुझे मुझे जो भी सीखना चाहता है उन्हें वो नॉलेज दे सकू मैं रेसिपी शेयर करना चाहती थी मैं बच्चों को सल्यूशंस देना चाहती थी मैं पेरेंट्स को सल्यूशन देना चाहती थी कि बच्चे फंसी नहीं होते हैं हमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए mm. थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा उस बात में टाइम स्पेंड करना है टू अंडरस्टैंड कि वाई इज द चाइल्ड नॉट ईटिंग एग्जैक्टली खुशी खुशी खाना चाहिए रिलेशनशिप विद द फूड टू बी पॉजिटिव परफेक्ट दैट इज द करेक्ट व इक्वेशन बिटवीन फूड एंड चाइल्ड दैट रिलेशनशिप दैट बी करेक्ट बच्चे बोलते थे माँ को कि आप अमिता जो मम्मी का मैजिक uh, वाली है ना उनका mm -hmm. उनके जैसा बनाइए मैं खा लूंगा या खा लूंगी मैं ये कह सकती हूँ कि आप शेफ तो शुरू से थे आई थिंक अगस्तिया मेड यू रियलाइज दिस Yes. So it, the, the chef thing has always been your calling. I think so, yeah. And your son has just played the most important role to make you realize that. Absolutely. How beautiful it is. I mean, I had goosebumps while I was listening to you, and I was intently listening to you. I didn't interrupt you because it is actually very inspiring to listen to how you've understood the entire thing for yourself. Absolutely you. amazing. आपने बीच में कहा था कि आपकी अरेंज मैरिज है पर आपकी कहानी से लगता है लव है <laughs> मेरे हसबैंड से मुझे लव मैरिज है एग्जैक्टली <laughs> <Exactly. laughs> जो तो आप मुझे मतलब हाउ यू आर नरेटिंग योर हस्बैंड जस्ट फील्स लाइक लव मैरिज ही यार मैं तो मतलब मैं अमृता के लिए खड़ा रहूंगा वेन अगस्तिया केम इन योर लाइफ हाउ डिड योर कपल लाइफ इवॉल्व चेंजड फॉर गुड और फॉर बैड कुछ एक आपने ऐसी चीजें देखी होंगी अपनी लाइफ में मेरे लाइफ में दो बच्चे हैं आई थिंक छोटा सभी के लाइफ में होते हैं छोटा और एक बड़ा बड़ा वाला और भी बचपन और भी बच्चा होते जा रहा है जैसे-जैसे हमारा जो बच्चा है वो एडल्ट होते जा रहा है और वो तो महाराज अब एकदम एडल्ट ही हो गए 16 mm -hmm. साल का है पर आप उसके साथ बैठ जाओ हम्म mm हम्म -hmm. इतनी डीप बातें करेगा हम्म बहुत ही मैच्योर है और आप मेरे बड़े बच्चे के साथ बैठ जाओ <laughs> लगेगा ये तो भी मेरा बच्चा है सो अरेंज मैरिज फैमिलीज मिले फैमिलीज mm. के थ्रू फैमिली दो महीने में हमारी शादी हो गई तो वो बोलेगा अरेंज नहीं है mm. लव है लव बिकॉज़ mm. सिर्फ अंधेरी की हूँ तो बिफोर मैरिज मैं अंधेरी में रहती थी अब मैं साउथ बॉम्बे में रहती हूँ तो उनका जो ऑफिस था वो मेरे घर के लिटरली सो वेन ही सो हम

ये नहीं था कि आई डेंट लाइक और जस्ट जस्ट आई 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 एम शुड गेट टू नो थिंगी ये क्या कर रही हो यू नो आई थिंक बोल सकते हैं कि ईगो प्रॉब्लम हो गई कि यू नो वेन यू आर डूइंग सो वेल सक्सेसफुल मैं चूज करूंगी मेरे लिए कोई क्यों चूज करे इज अ डिफरेंट थिंग मेरी माँ तो मुझे उन्नीस साल की उम्र से शादी कराना चाहती थी <laughs> <laughs> तो सारी को मास्कियों को फोन आठियों मैं, मैंने लड़का ढूंढ के दे मेरी बेटी के लिए पर <laughs> फिर ये चले गए यार माई हजबेंड वेंट ऑफ बैक ही वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट टाइम ही वॉज हैडिंग द होल आई सी सी वर्ल्ड कप इन स्टाफ तो ही वेंट बैक दैन ही केम बैक इन मे ओके अप्रैल में मेरे भाई की शादी हुई तो मेरी माता जी ने मेरी मदर इन लॉ टू बी को ऐसे एक इन्विटेशन भेज दिया पर तब तक मैं ना बोल चुकी थी तो मम्मा ने कहा कि जाए नहीं जाए वो एवर शीजो सन फ्लाज ये वो एंड शी टोल्ड माई टू राहुल माई हजबैंड की यू नो देव सेंट एन इन्विटेशन तो शायद वो अभी भी इंटरेस्टेड होंगे कुछ ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं है भाई की शादी होगी सब कुछ हो गया नाइन्थ मे को मुझे कॉल आता है घर में फ़ोन आता है ममा का माई मदर इन लॉ का टू माई मदर दैट राहुल वुड लाइक टू स्पीक टू अमृता इज इट ओके we can, as friends, just have लंच मेरा ऑफिस अंधेरी में ही है सो माई मदर इज पिंच जाना जाना ओके रिलैक्स ऐसे चलो मिल मिल लेते हैं चले जाते हैं लंच पे हम चले गए लंच पे आई कॉन्ट टेल यू टू नहीं आई थिंक जस्ट मी मैं गाड़ी में बैठी हूँ ना आई फेल सो कम्फर्टेबल आई डोंट नो आई स्टार्ट एड चैटिंग विद स्पीक टू हिम दैट डे यू नो उस दिन जो इतने सब लोग हमारे वो पता है ना इंडियन सोसाइटी में दस हजार लोग तो आ जाते हैं मिलने तो और लड़की रहते, लड़की रहते। बात exactly. की ने फिर अगले दिन फिर कोई भाना आंटी जी मेरे तो मम्मी ने ना आज टिफिन ही नहीं भेजा आ जाऊँ फिर आंटी जी मेरा ना सर दर्द दे रहा है चाय पिला दोगे क्या वो आंटी जी के बहाने आंटी जी तो इज गोइंग चौथे दिन उसने बोला आंटी जी पुठा फुट डाउन की चार बार तो मिल लियो

perfectly fine looking after him everything else he mm -hmm. was just outstanding he is outstanding he is and आपकी बात सुनकर तो मैं मुझे हल्की हल्की झलकियाँ मेरे और अभिनव की आ रही है uh -huh. uh, exactly आपकी तरह मैं भी लाइफ में बहुत स्ट्रक्चर्ड हूँ मुझे हर चीज़ मैनेज करना हर चीज़ यू नो मैनेज करना माइक्रो मैनेज <laughs> करना बहुत पसंद है आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड मुझे पता है दैट आई एम अ वर्कोहलिक मुझे काम करना ज़रूरी है And when Abhinav entered in my life, he, brain, he, you know, he, he was the reason of the spontaneity in my life then. Lovely, yeah. Then the traveling, yeah. he is the one saying, live your life. This is and this is how you live. He has introduced so many different colors in my life wow. that, you know, exactly. दिस इज द एग्जैक्ट रीजन मतलब मेरे पास पासपोर्ट्स होने के बावजूद भी मैंने शायद इतना ट्रैवल नहीं किया जितना अभिनव के मिलने के बाद अब ट्रैवल करना शुरू किया है एक्सप्लोर करना शुरू किया है बट हल्का सा डिफरेंस कहाँ आता है ही वॉज द फर्स्ट वन टू जम्प एंड से डायपर मैं चेंज uh. करूंगा <laughs> साढ़े पांच बजे लड़कियां उठ जाती हैं दे फिलइपर्स विद पुपू always tell. जब भी मौका मिलता है He was a ही वॉज a गुड बॉयफ्रेंड best, best father, हजबेंड बट अस्ट और वो और वो जो uh, मैंने चेंज देखा है ना वो मैंने खुद वो कहते हैं ना ड्रास्टिक वन एटी डिग्रीज द डे आई कंसीव्ड एंड ही गॉट टू नो तब से उन्होंने जो ख्याल रखना शुरू किया मतलब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम the most beautiful and I cherish it to the day. All thanks to him. आपके लिए Uh, कभी इंडस्ट्री ने हैव दे एवर शोन एनी यू नो एनी बायसनेस क्योंकि आप माँ बन गई फिर आपको करियर चेंज करना पड़ा वहाँ पर हैव यू एवर फेस्ड एनी चैलेंज इफ एट ऑल यू नो कुड कुड बी बी स्पोकन एंड अनस्पोकन बायसेस हैं मुझे सिर्फ इस चीज़ का बुरा लगता है कि जो भी जेंडर के हो आपके जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए स्पेशली जब आपने देखा कि किसी ने कितनी मेहनत से एक यू uh, नो you know, एक करियर चेंज किया है एंड हाउ दैट पर्सन हैज गॉन अबाउट इट प्रोफेशनली मतलब मैंने लाइक like, पूरी शिद्दत से ये किया है क्योंकि जब आप खुद एक माँ होते हो mm. और आप दूसरी माओ से बात करते हो mm. तो आपको कोई हक नहीं होता तब तक बात करने का टिल दर आई एम योर कॉन्फिडेंट अबाउट यू आर स्पीकिंग एंड आई आई प्राइड माई सेल्फ इन द क्रेडिबिलिटी दैट आई मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं सिखाया है या बोला है जो मैंने अपने खुद के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। या अपनी खुद की फैमिली में नहीं एक्सपेरिमेंट किया है पहले तो मैं सिर्फ बच्चों की रेसिपीज करती थी बिकॉज mm. मेरा मोटो है इज नॉट बोरिंग एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट क्योंकि खाना इज पीपल लिव लिव टू टू ईट ईट मतलब मैं तो आई ट्रू ट्रू नॉट अदर वे फॉर मी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड अगर फूड टेस्टी ना हो mm. आप कद्दू हो करेला हो टिंडे खिला लो मुझे मेरी मम्मी ने इतने टेस्टी बना के सब्जियां भी देती थी ना कोई hmm. ऐसी सब्जी आप नेम ले लो ककोड़ी ये वो वियर्ड लुकिंग वेजिटेबल्स भी मैं खा लेती थी बिकॉज मा, मेरी माँ इतने अच्छे से उसको बना के देती थी सो आई जेनली बिलीव हेल्दी इज नॉट बोरिंग पर आज के बच्चों को ऑफकोर्स एक्सपोजर इतना ज्यादा है इतना कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में कि उनको अपीज करने के लिए आपको थोड़ा सा हटके सोचना पड़ता है उनके सामने करेले कद्दू ऐसे रख दोगे तो नहीं खाएंगे hmm. पर पास्ता में डाल के दे दोगे तो जब आज खा जाएंगे सो दैट इज द काइंड ऑफ टेक्निक आई यूज एंड बाई गॉड्स ग्रेस आई वॉट अ लॉर्ड ऑफ रिकोगशन आई थिंक विद ऑल ह्यूमिलिटी आई कैन से टी वी के कोई भी ऐसे अवार्ड नहीं है जो मुझे मेरे लिए नहीं मिले फिर टैटलर एशिया यू नो रेटेड मी एज अ टॉप सेवन फूड होस्टेसिस अक्रॉस द ग्लोब अलॉन्ग विध नाइजेला लॉसिन अलॉन्ग विद रेचिल रे एंड यू नो मुझे पता भी नहीं था सडनली हम लोग टी वी देख रहे थे राहुल और मैं और किसी ने मुझे टैग किया आई आर हैप्पी टू शेयर द स्पेस विद शेफ अमिता रायले हाँ एंड uh, आज भी मैं बात करती हूँ मुझे गोसलैश हो जाता है इट्स नॉट की अवार्ड बट एन अवार्ड विच इज इंटरनेशनल एंड विद यू नॉट इवन नोइंग अबाउट इट आर नॉट इवन डूइंग एनी थिंग टू गेट इट दैट इज बिग मोमेंट ऑफ प्राइड एंड आई थिंक यू नो कर्म करो और भल्कि mm -hmm. ना सोचो दैट इज अ प्रिंसिपल दैट वी हैव इन लाइफ आई थिंक आई इंजॉय दैट द मोस्ट रूबीना फैक्टर आई कैन बी माई सेल्फ Mm. i love the fact that i don't have you know with me you you literally get what you see mm. i don't have any hidden agendas i don't mm. have any hidden stories i don't have anything mm. everybody has my password mm. of my phone <laughs> well literally it's hilarious everybody laughs at me but <laughs> I mean, even my driver knows my phone <laughs> password <laughs> so, i you know but i love it and i appreciate that i, I just, appreciate that yeah. because the day i decided पसंद आता है लोगों को नहीं आता है दिस इज आई एम एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड देर इज वेयर आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ लिबरेटिंग इट इज इट रियली इज़ आदमियों को कौन पूछता है आदमियों से कैसे बोलते किसी को पूछा uh, किसी को देखा पूछते हैं आदमियों के आप हाउ डू बैलेंस योर वर्क एंड योर चाइल्ड एंड योर पेरेंट हुईन टेगरी ऑफ वीमेन में से हूं हु मैन अलॉट इफ दे आर रिस्पेक्ट हुआ दी मैं लड़ लूंगी मैं अपने फादर लॉ के साथ भी कभी कभी लड़ लेती हूँ अगर कुछ गलत है मैं हस्बैंड के साथ भी लड़ लेती हूँ मैं भाइयों के साथ भी लड़ लेती हूँ बट आई गिव दैम अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हू दे आर बिकॉज आई फील यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर द रोल इन योर लाइफली

What hmm. he can do, I do. इसको समझने में बहुत टाइम लगा स्ट्रगल था आर्ग्यूमेंट्स थी डिफरेंसेस थे बट वेन आई केम टू टर्म्स ना कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप कि अगर आप चाहते हो कि वो भी आपकी तरह दिखे तो कल दिन को तो मतलब ही हो जाएगी ना हू वुड मतलब आई वु नॉट वॉन्ट टू मैरी रुबीना लव एंड अड अभिनव शुक्ला फॉर इज एन टू रिमाइंड माई सेल्फ अगेन एंड अगेन this is what he is and if i don't learn to respect and appreciate that the relationship oh, nice. is going to be mundane yeah. and it's going to be boring and one day i'm going to be like and yeah. communication is the other thing i think you had asked me this question when we took a little break it came back to me when you were talking that for a to grow up and mm. see you know how their parents relationship is did yes. we have to you know, make a change, or Conscious was it? Yeah, yeah, and you believe it or not, nothing. We are who we are. The one thing that I think I have brought a change in my family is communication. My family, may uh, especially with my mother-in-law. I remember in my first month of marriage. मैं अंधेरी अंधेरी बहुत करती थी उन दिनों ना एक तो टाउन में ना रिक्शा नहीं मिलते हैं उस समय मॉल्स नहीं होते थे आ, वो क्या उसको बोलते हैं सिनेमैक्स मूवी थिएटर नहीं yeah, थे yeah, yeah. तो मेरे मुंह से एक दो बार निकल के हमारी अंधेरी में तो ऐसे ही चली जाती थी हमारी अंधेरी में तो ऐसे हीस अंधेरी इतना पसंद है हेलो मैम मधुन लो फिर मैं नीचे आई अपने कमरे से मैम मदन लो सेट आई एम लिसन आई एम वेरी सॉरी ये वो यू नो आई गॉट फायर ये वो सेड ओके होल्ड ऑन मैं गई सबको बैठाई मैं कहा देखो भाई आई एम एजुकेटेड गर्ल आई नो हाउ टू फाइट माई बैटल्स अगर मुझे मामा से कुछ प्रॉब्लम है मैं खुद लड़ लूंगी आप लोग को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एम यू हैव डन इट अच्छा येस एट अपसेट मी but i will deal with it my own in my own way hmm. and that's one thing i made everybody i say you guys have a problem with anybody please hmm. talk मुझे लगता है आजकल जिंदगी में लोगों के बीच में कंट्रीज के बीच में बहुओं के बीच में सासों के बीच में भाइयों बहनों के बीच में प्रॉब्लम्स ही इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोग बात, बात, नहीं बात ही नहीं करते हैं

Crazy about sports also. Mm -hmm. They are both extremely good at the sport. My son, in fact, got selected for nationals. Uh, oh, football. wow. Yeah. And uh, in fact, mm -hmm. when I was pregnant, my husband used tell me, that if you become my actor, I'll you <laughs> He has to be sporty. Because we had a hint that he was going to be a boy. So and I kept praying. I said, you go on your father. You go on your father. Because I'm a good dancer. I'm a great dancer. But I have two left feet when it comes to any sport. i oh. terrible with ah. sports. Ah. so i think because this is a parenting show, uh, you mm -hmm. know, parenting, uh, parenthood show, i think it's very, very important to communicate with your child mm -hmm. and to have that relationship with your child where you're very close, but you also have that respect. Mm -hmm. the child knows what line not to cross there. you know, ajkal boi call, fancy i'm to my child's friend buddy. buddy, i uh -huh. drink, p.o.? may i say

आजकल के जमाने में यू नीड टू बी मोर पेरेंट फ्रेंड बडी बिकॉज फ्रेंड्स तो उनको लाखों लाख मिलेंगे जो उनको कुछ हेल्प करेंगे करेंगे लाइफ में अच्छा करेंगे, और बहुत सारी लोग उनको नीचे जाएंगे तो यू नीड टू बी अ पेरेंट कीप एन आई आउट एंड दे दे नीड नीड टू टू नो अ फैमिली Have have done a fairly decent job in bringing him up. Mm -hmm. We've done our best. Mm -hmm. Fir mm -hmm. aage dekho life is yeah, yeah. you know based on destiny. What mm -hmm. happens? Pata ho mm -hmm. abroad jaanke, when he goes, he gets into, you know, whatever, hopefully mm -hmm. touch what that yeah. should not yeah. happen. But it we have happen. given him strong roots. Mm -hmm. Now rest is up to him. he is an adult, he will be an adult. Mm -hmm. Choices he will be, make will be his own. Mm -hmm. But we've given him a strong foundation through communication. So again, rounding it back to the fact that you have to communicate with your child, yet you have to be firm enough with them that they know that you mean business. मेरे पास तो हर एक, हर एक, I think दस सेकेंड में मुझे बहुत ही अहा मोमेंट्स मिले हैं। Generally क्या होता है ना, conversation हमारी ऐसी होती है, sixty forty. आई जेन्यन्वर्सेशन एट्टी ट्वेंटी क्योंकि आपको सुनकर बहुत मजा आ रहा है मुझे भी थैंक यू अभी तो डेफिनेटली आपने दिल से दिल तक हर चीज शेयर की है हमारा जो आखिरी का सेक्शन है वो भी दिल से दिल तक है एक ऐसी सीख जो आपके माँ बाप ने दी है और आज तक वो आपके साथ है सब कुछ मैंने अपने माँ से सीखा वेड थर्टी अ विडो थ्री किड्स तो उस एज से जिस ग्रेस के साथ उन्होंने काम किया वो अपनी माँ के पास नहीं गई अपनी मदर इन लॉ के पास नहीं गई उन्होंने बोला मैं खुद काम करूंगी और मैं अपने बच्चों को उस तरह से बड़ा करूंगी जिस तरह से मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो बड़े हों आई थिंक थ्रू हर एक्शंस आई हैव लर्न टू बैल्फ सफिशियंट बी ऑनस्ट विद माई सेल्फ टू बी अ ग्रेट मदर एंड टू यू नो शी इज़ नॉट वेरी वेल बट ऑल ऑफ अस आर लुकिंग आफ्टर हर टू द बेस्ट ऑफ आर केपेबिलिटीज मेरा स्टूडियो जो है जहाँ जो मेरा चैनल है अमृता राइट एंड शेफ एंड बियॉन्ड जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी सारी शूट मेरे स्टूडियो में होती है और मेरी स्टूडियो मेरी माँ के घर में है मैंने वहीं क्रिएट किया माई ब्रदर एंड आई डिस बिकॉज माई फुल टीम कम्स दें वो बैठते हैं अपने व्हील चेयर में एंड एंड आई थिंक वॉज अ ग्रेट मॉम एंड बेस्ट चिल्ड्रेन दैट वी कैन बी लाइक एक ऐसी सीख जो आप अगस्तिया को देना चाहते हैं अगस्त्या कभी कभी अपने आप को डाउट करता है एज अ पर्सन आई डोंट नो इस मामले में वो ना अपनी माँ पे गया ना अपने बाप पे बिकॉज वी आर ओवर कॉन्फिडेंट पीपल सो अगर मैं उसे एक सीख देना चाहूँगी वो ये होगी कि अपने आप में विश्वास करो अप्रीशिएट एंड अंडरस्टैंड योर अबिलिटी बिकॉज आई रियली थिंक यू नो ही इज एन एक्सेप्शनल चाइल्ड नॉट टॉकिंग लाइक अ मदर बट आई यू नो ही हैज स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ ये हीज अ लॉट ऑफ मेचोरिटी आई जस्ट वॉन्ट हिम टू अंडरस्टैंड एंड रियली रिस्पेक्ट हिज अबिलिटीज़ आई थिंक यू कैन डू अ लॉट मोर इन लाइफ देन ही थिंक्स ही कैन वैसा पॉजिटिव चेंज जो आपने अपने हस्बैंड में देखा आफ्टर बहुत ज्यादा बचपना था अब थोड़ा कम बचपना हो गया आपके जीवन में कोई एक ऐसे आइडल uh, स जिन्हें आप आइडलाइज करते हैं और उनकी कोई एक ऐसी सीख जो आप अपने बेटे को देना चाहते हैं अगेन मैं घूम फिर के अपनी माँ पे ही आऊंगी बिकॉज uh, बहुत कुछ सीखा है मैंने मम्मी से एंड यू नो उन दिनों उस टाइप की मैंटेलिटी होन, होना होना वॉज वेरी टफ एंड आई थिंक मेट माई फादर बट आई थिंक अगर वो आज होते तो आई हैव आइडियलाइज्ड हिम आल्सो उन दिनोंव एट प्रोग्रेसिव माइंड सेट उन्होंने मेरी मम्मी को मम्मी पढ़े लिखे थे बी mm. ए किया था पर हिंदी मीडियम पंजाबी मीडियम से उन दिनों उन्होंने उन्हें इकोनॉमिक्स करवाया इंग्लिश मीडियम स्कूल से उन दिनों उन्होंने उन्हें गाड़ी चलानी सिखाई मम्मी के अभी भी कट है यहाँ पे देड एन एक्सीडेंट वाइल डैड वॉज टीचिंग

आई थिंक हर दिन मैं नहीं बोलती हूँ पर हर दिन मुझे बोलना चाहिए हाउ थैंकफुल आई एम टू हेम बिकॉज आई थिंक इट टेक्स अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन टू बी एबल टू सपोर्ट अ सक्सेसफुल वूमन आज तक मैंने उसे इनसिक्योर नहीं देखा है राइट अभी भी आई यू नो वन आई वॉज कमिंग हियर ही वॉज लाइक टॉक अबाउट दिस टॉक अबाउट दैट यू नो ही Wants to push me always in mm. in a positive way. Mm. And kabi tak uh, I mean beach asa ugyata ki you know my team kind of disintegrated, mm. you know. I had a bit of a crazy situation and he literally took over my company. He said, mm. I'll help you. Uh, you know, he would call up people, like when people would approach me, mm. I'm a celebrity, I cannot talk. Mm. And he's a very big shot in his own way, you mm. know, he's a he's he's a He's a marketing whiz mm. he's a you know consultant with many companies zero say on a billion dollar company mein he's taken them so he's a big shot in his own space but he never ever hesitated to pick up the phone and talk to them okay you've approached my wife tell me what I said write the accent on Giga Ja you take it easy you know <laughs> then you start talking to them about my achievements I say yeah yes yeah, industry mein log sunna nahi you know he's such a corporate person I don't think I thank him enough fight more with him than I thank him. So Rahul, this is for uh, you. This one is truly for you. Thank you for being being my man. Wow. Thank you so much. Thank you. Thank you. My heart is filled with gratitude for this conversation. I'm extremely humbled with the entire experience. Um it showed us token of appreciation here for this conversation, which is of course not enough, but just a gratitude. A yeah. you know, I'm so gratitude. happy I came here, Rubina. It was it was really uh, pleasurable and I'm i'm surprised we haven't met each other but like they say uh, every stage in life you meet someone new yeah i think i'm connect. prepared to have lessons from you hence i'm meeting you at this point in time in life maybe but yeah. we will stay in touch and yes. this is a beautiful show that you're conducting thank you're you. doing a really great job you're thank looking you. beautiful thank you all the best in your motherhood journey i can't wait to see your twins yes i want to see them i am <laughs> yes. crazy about girls so yes. i might just take over yes. thank you so much thank you One gratitude or one, you know, positive saying that you can just put it here, and then maybe after a year or so, open the jar and just see wow. How nice! i love to do that. Thank, Thank you. So Thank you so much. much. Thank you. And I'd like to give you a hug. Thank you for this beautiful experience.